मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। टोरंटो पुलिस ने 9 मिलियन डॉलर मालियत का कार्गो और ट्रैक्टर ट्रेलर चोरी में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान का ताल्लुक भारत से बताया गया है। 15 अफराद के खिलाफ कुल 73 इल्जाम आयद किए गए हैं। यूरोप में मुमकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर एक्सचेंज पर कनाडा की हिकमत अमली। तापकारी के फैलाव से निमटने के लिए हंगामी प्रोटोकॉल्स अपडेट किए जाएंगे। इकदाम में एक इंतहाई खुफिया प्लान को अपडेट करना भी शामिल है। कनाडा के शहरियों ने अमरीकी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी के खिलाफ केस कर दिया। केस हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले कैनेडियन फौजियों के अहले खाना की जानिब से दायर किया गया है। अमरीकी मैन्युफैक्चरर्स पर संगीन लापरवाही के इल्जाम आयद किए गए हैं। चीन और अमरीका मिलकर ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ काम करने को तैयार। चीनी नायब सदर का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली आलमी मसला है। मौसमियाती तब्दीली से निमटना चीन अमरीका ताबुन का एक अहम पहलू है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lighto Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. टोरंटो पुलिस ने 9 मिलियन डॉलर मालियत का कार्गो और ट्रैक्टर ट्रेलर चोरी करने वाले 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस ने 9 मिलियन डॉलर मालियत का कार्गो और ट्रैक्टर ट्रेलर चोरी करने वाले 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 15 अफराद के खिलाफ कुल 73 इल्जाम आयद किए गए। जुर्म के जरिए हासिल की गई जायदाद के कब्जे से लेकर मोटर गाड़ी की चोरी, ब्रेक इंटर और चोरी और ममनुआ हालत में मोटर गाड़ी को चलाने से लेकर दीगर जराय में चार्जेस शामिल हैं। तफ्तीशकारों के मुताबिक ग्रेटर टोरंटो एरिया में 9 मिलियन डॉलर मालियत का कार्गो और ट्रैक्टर ट्रेलर चोरी होने के बाद जिन 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया उनका ताल्लुक भारत से है, जो मुबैना तौर पर एक मुनज्जम चोरी की टीम का हिस्सा थे। ग्रेटर टोरंटो एरिया में फैली हुई पुलिस फोर्सेस ने कार्गो चोरी और तजारती गाड़ियों की मुश्तरक तहकीकात के नतज का ऐलान किया। जिन 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया है उसके नतीजे में 9 मिलियन डॉलर का मसरूका सामान बरामद हुआ। पील रीजनल पुलिस ने तहकीकात की क्यादत की, जिसे प्रोजेक्ट बिग रिग कहा जाता है। मार्च 2023 में तफ्तीशकारों ने बताया कि जीटीए में 6 मुकामात को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में चोरी शुदा कार्गो के 28 कंटेनर्स की बाजियाबी हुई, जिसकी मालियत 7 मिलियन डॉलर है। तफ्तीशकारों ने बताया कि कार्गो में कई कीमती अशिया मौजूद थी, जिनमें स्नो मोबाइल, ATV और खाने पीने का सामान शामिल था। मजीद 28 चोरी शुदा ट्रैक्टर और ट्रेलर भी बरामद किए गए, जिनकी मालियत 2.25 मिलियन डॉलर है। कनाडा यूरोप में मुमकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर एक्सचेंज या यूक्रेन के पावर प्लांट के धमाके से समंदर में तापकारी के फैलाव से निमटने के लिए हंगामी प्रोटोकॉल को ख़त्म और अपडेट कर रहा है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा यूरोप में मुमकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर एक्सचेंज या यूक्रेन के पावर प्लांट के धमाके से समंदर में तापकारी के फैलाव से निमटने के लिए हंगामी प्रोटोकॉल को ख़त्म और अपडेट कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनल पब्लिक सेफ्टी कनाडा के नोटिस से पता चलता है कि इकदाम में एक इंतहाई खुफिया प्लान को अपडेट करना शामिल है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वफाकी हुकूमत शदीद बहरान में काम जारी रख सकती है। नोटिस के मुताबिक कैनेडियन हुकूमत कनाडा के आवाम को आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में मशवरा देने के लिए एक प्रोटोकॉल को हतमी शक्ल देने के लिए भी इकदाम कर रही थी। गुज़िश्ता साल फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले ने वफाकी बातचीत और इकदाम का एक सिलसिला शुरू किया, जिसका मकसद
एक तबाहकुन जौहरी वाकये के लिए कनाडा की तैयारी को तकवीत देना था। एमरजेंसी मैनेजमेंट में शामिल सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की अगस्त 2022 की मीटिंग से पहले तैयार किए गए पब्लिक सेफ्टी नोटिस में ज्यादातर तश्वीश यूक्रेन के ज़ैपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मरकूज है, जो गोलाबारी का निशाना बना था। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने एहतियात के तौर पर पोटेशियम आयोडाइड गोलियां खरीदी, जिसका स्टॉक अगस्त 2022 में कीफ और पड़ोसी सिफारती मिशनों में तकसीम किया गया। हुकाम ने पावर प्लांट की तबाही के बाद मुतवक्के कौंसलर इमदाद की दरख्वास्तों में नुमाया इजाफे के मंसूबे भी तैयार किए हैं। फेडरल न्यूक्लियर इमरजेंसी प्लान के तहत पब्लिक सेफ्टी बैन अलाक्वामी जौहरी वाक्य के बारे में आवाम तक रबते को मरबूत करेगी, अवामी तफ्तीश और आला खतरे के तासुरात को दूर करने और हुकूमत पर एतमाद को बरकरार रखने के लिए एक बर वक्त और अच्छी तरह से मरबूत जवाब जरूरी होगा। ये मंसूबा वजीर आजम के दफ्तर, वफाकी काबीना, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट समेत अहम इदारों को कौमी दारुल हुकूमत के इलाके से बाहर किसी मुतबादिल जगह पर मुंतकिल करने का अमल तय करता है। ये मंसूबा सर जंग के दौर के प्रोग्राम का एक जदीद तरीन वर्जन है, जिसमें हुकूमत के अरकान को ऑटोवा के मगरब में एक जेर जमीन तनसीब की तरफ जाते हुए देखा जाएगा, जिसे अब डायफिन बंकर के नाम से जाना जाता है, जो कैनेडा के 13वें वजीर आजम की मंजूरी है। यूनान के साहिल पर हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाक होने वाले कैनेडियन मुसल्ला फौज के 6 अरकान के अहले खाना ने तैयारे के अमरीकी मैन्युफैक्चरर्स पर संगीन लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूनान के साहिल पर हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाक होने वाले कैनेडियन मुसल्ला फौज के 6 अरकान के अहले खाना ने तैयारे के अमरीकी मैन्युफैक्चरर पर संगीन लापरवाही और हिफाजत के हवाले से लापरवाही को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। 2021 की फिजाइया की फ्लाइट सेफ्टी की तहकीकात ने यह नतीजा अखज किया कि CH-148 साइक्लॉन हेलीकॉप्टर अप्रैल 2020 में पूरी रफ्तार से बुहीरा आयोनियान से टकराया, जब पायलट ने फ्लाइट कंट्रोल फंक्शन को दस्ती तौर पर ओवरराइड करने की कोशिश की और ये नहीं देखा कि ऑटो पायलट अभी भी मसरूफ है। मुतासिरा खानदानों के वकील स्टीफन रेंस ने एक मीडिया बयान में कहा कि खानदानों के अमेरिका में मुकीम सिविल एक्शन के दावे में इल्जाम लगाया गया है कि इस कोर्सकी के कंप्यूटर रेगुलेटेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम ने हेलीकॉप्टर का कंट्रोल अपने पायलट से ले लिया, जिसकी वजह से ये 150 मील फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार से समंदर में गिर गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर गिर गया, पायलट और मुसाफिर सभी जानते थे कि वो मरने वाले हैं। दावे में कहा गया है कि उसके इल्जाम का अदालत में तजर्बा नहीं किया गया। हर शख्स ने हेलीकॉप्टर के पानी में असरअंदाज होने से पहले के लम्हात में नाकाबिले तसव्वुर दहशत और खौफ का तजर्बा किया, जिसकी वजह से उसमें सवार हर शख्स को जानलेवा जख्म आए। चीन के नायब सदर हान जेंग ने कहा है कि उनका मुल्क ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वाशिंगटन के साथ सियासी हम आहंगी की शर्त पर मिलकर काम करने के लिए तैयार है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन के नायब सदर हान जेंग ने कहा है कि उनका मुल्क ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वाशिंगटन के साथ सियासी हम आहंगी की शर्त पर मिलकर काम करने के लिए तैयार है। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन के नायब सदर ने 3 रोजा दौरे पर आए अमरीकी मौसमियाती एलची जॉन कैरी से गुफ्तगू में कहा कि जब तक के सियासी मुतालबात पूरे नहीं होते, चीन मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। हान जेंग ने कैरी को मुखातिब करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निमटना चीन अमरीका ताबुन का एक अहम पहलू था, लेकिन यह बाहमी एहतराम पर मबनी होना चाहिए। दूसरी जानिब अमरीकी एलची कैरी का कहना था कि उन्होंने अपनी 3 रोजा बातचीत के दौरान चीनी हुकाम से बहुत तफसीली मुलाकातें की, जिन पर गौर करना होगा। वाजे रहे कि गुज़िश्ता अगस्त से चीन और सदर जो बाइडन के इंतजामिया के दरमियान रबते मौतली का शिकार है, जबकि टैरिफ, टेक्नोलॉजी, इंसानी हकूक, बुहीरे जनूबी चीन में चीन के इलाकाई दावों और खुद मुख्तार ताइवान के मसले पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं।